देख रहा लेजेंड, देख रहा लेजेंड लेजेंड देख रहा। इसको जानते हो? जानते मैसी को जानते हो? मर्सी सर को जानते हो? तो चाचा चाचा उठ जाओ, 3:30-4 बज रहा है। इतना भी वैलोरेंट मत खेल लो कि सुबह ही ना देख पाओ। फिर उठे लेट सोया थोड़ा, कोई घंटा लेट नहीं सोया, 9 बजे सोया हूँ। तो थोड़ी देर में उठ रहा हूँ, पक्का 5 मिनट में उठ रहा हूँ। 5 मिनट में क्या उखाड़ लेगा लाइफ में? तो थोड़ी आग बंद कर लूंगा, तो ब्रश करते मैं आग बंद कर लियो। जितना बज रहा है उससे 5 मिनट ऐड कर लो। जितना बज रहा है उससे 5 मिनट ऐड किया। अभी 3:23 हो रहा है, 3:28 पे आ रहा हूँ। 5 minutes later. दो मिनट लेट उठे हो, जस्ट saying. नाश्ता क्या है? नाश्ता क्या है? नाश्ता ऐसा कुछ बनता नहीं है, नाश्ता जो बोलते हो बन जाता है। तो ऐसा ही होता है इस घर में, सिखा देंगे धीरे धीरे। मैं रह चुका हूँ तुमसे ज्यादा। देखो किसी ने मुझे ये भेजा है, उनका नाम है पर सिंह सोल रेगल्टॉस। सुनना, आज के टाइम में दोस्ती की कोई कदर नहीं है भाई। 2 मिनट में लोग 5-5, 7-7 साल पुरानी दोस्ती मिनट में तोड़ दे, सोचते भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि ईगो इतनी बढ़ गई है कि कुछ मन में बात हो बताएंगे नहीं। पता नहीं क्या चौधरी बन रहे हैं, किस चीज की अकड़ा। कुछ माड़ा टाइम आने पर भाई फर्क बनाने लग जा, किसी का औहदा बड़ा हो जाए जब फर्क लग जा बनाने, अन्य औकात भाई सारी दुनिया दिखा सका। ठीक है, टाइम टाइम की बात है मित्र। आज के टाइम ये इन्होंने भेजा है, तो मैंने कहा कि इसको तेरे बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम्हें जानता है, फॉलो करता है शायद, वॉच इट 2 times। मैंने कहा यू वॉच इट 4 times, कह रहे हैं वॉच इट विद रेबल 8 times। गुस्सा नहीं। अब तू ये बता, हम तीनों में सबसे ज्यादा ईगो किस में है? बोल दे, मैं आज तक तेरे सामने बिल्कुल सुन, इसके लिए मत कर, मेरे लिए मत। अच्छा तू अपनी मम्मी का सब खा के बोल दे तुझ में ईगो नहीं है। मेरे में ईगो कभी कभी आता अभी तक उठा नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया। ओए घुस जाएगा क्या फोन में? यू पास है, अरे ऐसे देखता है। हाँ तो दूर कर, गलत देखता है, इतना भी दूर मत कर ले। हाँ ऐसे, गुड बॉय। है भाई ये क्या कर दिया इसने, क्या दिया है यार। अच्छा नहीं ठीक है, तेरे को कैसे पता कि उसने क्या दिया क्या नहीं दिया बाहर से? गलती हो गया, जैसे कि डिप नहीं ऑर्डर किया, सॉस लिया नीचे से, बहुत है और लिया, बहुत है बाउल लिया, इसमें रख के खा लेंगे। ठीक है डालो। ज़ेरेफ आजा, दवा खाई है तूने? अभी कुछ पेट में होगा तभी तो दवा काम करेगी। दवा क्यों खाई तूने? बुखार है उसे, है ना? एक महीना भाग के बूट कैंप रहो। अबे जा बे, तू भी 2 दिन होने वाला, दो दिन करते हो दिखेगा भाई। बूट कैंप का एड्रेस पता है तुझे? पिन कोड पता है तेरे को यार? बहुत पिन कोड बोल, क्या है? 400-200 देख लो गाइस, यहां का पिन कोड तक नहीं पता। पिन कोड भी क्या है, मेरे को तो अपने घर का भी पता। यहाँ पे रहते हैं ना हम, तो चीजें ऑर्डर करते रहते हैं, तो पता लगता है। मैंने ऑर्डर अभी ऑर्डर किया, मैंने जैसे उनको पता है 410-210 है। हाँ वही 400। ते को नहीं पता? अच्छा प्लॉट नंबर बता दे यहाँ का। 17 प्लॉट नंबर बता। 206 हड्डियाँ होती हैं। हैं क्या? 206 हड्डियाँ होती हैं, मैं देख ले, इसमें 100 हड्डी कम है। मैं दिखाओगे? 306 हड्डियाँ होती हैं। 306 हड्डियाँ होती हैं, इतनी सारी होती हैं। 1200 तोड़ के बताऊँ क्या? मूवी देखने का दिल है अपना बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर छोड़ दिया था मूवी की जिम्मेदारी, जिनकी वजह से देख नहीं पाया आज तक एक भी मूवी। वही वकांडा फॉरएवर, आज जाएंगे कल जाएंगे परसों जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। नहीं सर, वो वेट कर रहे हैं अब भी कि मर्सी जी आएंगे। साले आज से तुम्हारे ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा हम। चुप साला, अवतार बता कब देखने चलना है? आज चलेंगे, घंटा आज नहीं जा पाएगा, फिर स्नैक्स को भी देखना है। अरे आज चलो यार, नहीं कल नहीं, आज बोर हो रहा है, आज कुछ काम नहीं है। और हो गया स्ट्रीम, दोनों हो गया स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम कर लिया, आज चलो।
अब रात को अवतार बता कब देखेगा, देखा अब कल बोलेगा कि कोई और प्लान बन गया, यही करता है ये पक्का मम्मी कसम, देखा कमीना। अरे तुमको रात को अवतार दिखाएंगे। ठीक अमन भाई। जी भाई। एक गर्लफ्रेंड तो होना मांगता है आपकी लाइफ में। हाँ क्या? तुम गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाना चाहता? बहुत सारी बेटी है लोगों को देख के समझ आ जाता है। बेचारे को फिल्टर करना पड़ेगा पूरा। कौन सा लोगों को देख के तुम्हें लगा कि लाइफ में गर्लफ्रेंड बेटी होता है? नहीं वो वाला बेटी नहीं बोल रहा, ये फिल्टर वाला बेटी बोल रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं, वो ऐप वाला सोच रहा है या कुछ भी सोच रहा है। नमन मास्टर क्या टिप देता है पता है? मैं बताता हूं कौन नमन टिप देता है, ऐप डाउनलोड कर चालू हो जाए। देखिए कैसा बंदा है जो सीरियस रहेगा। करेक्ट। हां सोचो अमन की मम्मी ब्लॉग देख रही होगी ब्लॉग। मम्मी और पापा हां बोले टाइप होनी चाहिए, वो वाला फिल्टर बहुत डेंजर है तेरे को यार। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं है यार। अब तो गया ये, मैंने डाल दिया। तेरा कोई क्रश था अमन का? क्यों बताऊं लॉग में बताओ क्यों? मेरे तो पांच छह थे भाई, अपने भी होते हैं भाई। लॉग में नहीं, अगर तू नहीं बता रहा इसका मतलब। अरे देख देखो क्रश तो सब में डिफेक्ट है, मेरे में पांच छह थे। होता है यार सब में होता है। क्या क्रश? नहीं क्रश तो होता ही है, सबका होता है, सब डिफेक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं। स्कूल में था कॉलेज में था वो नहीं बता रहा हूँ। अब क्या मतलब स्कूल में 350-3000 लड़कियां होंगी, वो सब ओ अमन अमन क्या मुझ पे क्रश था क्या? 3500 कॉलेज में था पर 3500 लड़कियों से कोई बात तो नहीं करता होगा ना। हाँ तो तू बता ना, ये डिफरेंस है। सही बात है। अबे वो तेरे को हंट थोड़ी करेगी यार, वो मेरा ब्लॉग थोड़ी देखती है। तू बता स्कूल में कॉलेज देखती हो तो? स्कूल में या कॉलेज में? बीच में। ट्यूशन में थी क्या? ड्रॉप ड्रॉप ईयर में थी क्या? वेकेशन में। अरे वो मजाक कर रहा है कुछ यार, मैं वो नहीं बता सॉरी। अच्छा अच्छी लड़की थी। मेरे को बहुत पुरानी बात है, साल जब हम छोटे थे। तेरी बात हुई उससे? तूने बताया उसको कि तू तू उससे प्यार? ये सब बात हो गया। कट कट दिया मतलब बताया तो तभी शर्मा रहा है। कट कर दिया जाए। तभी शर्मा रहा है। कट कर। अच्छा वो तेरी जैसी बहली थी क्या ये लड़की? हम ढूंढने या घर वाले? मूवी देखने चलो, फालतू बातें बंद करो। मूवी देखने क्यों जाना पता है तुमको? क्यों समझ जाओ ना तुम उसको भी। हॉल में लड़कियां देखने छूती है क्या? खुद की फीलिंग्स इधर क्यों बता रहा मेरे नाम से? जाने नहीं है जाना तेरे को है। काम कर तू, गुजरात जा उसके पास जा, अब भी निकल। इवन आदि एज अ गर्लफ्रेंड नहीं है कौन? तो फिर अमन ने क्यों बोला? आदि तो भाई होली वाले काम करता है। शर्मा गया कुछ तो गड़बड़ है ना। उसी दिन के बाद हुआ है। क्या हुआ है? ये जो बुकिंग हुआ है। क्या हुआ है? कला की माँ बहन जो हुई है वो सब क्यों हुआ है? जो वहाँ पर हरकत कर रहे थे। मैंने कोई हरकत ही नहीं करी थी। चिल्लाए थे भाई बहुत जोर जोर से, और ठंडा पानी पी रहे। चिल्लाने से मतलब कफ हो जाते हैं? चिल्ला रहे हो और कुछ ठंडा पानी पी रहे हो। ठंडा पानी मैंने पिया ही नहीं, 10 दिन से नहीं पिया। ठंड में घूम रहे थे? ठंड में कहाँ घूम रहे थे? ठंड हुई नहीं है यहाँ पे। ठंड हुई नहीं है यहाँ पे। एसी में सो रहे हो और ठंड हो रही है यहाँ पे। बट कुछ तो हुआ है। हाँ जी प्रद्युमन जी कुछ है, कुछ हुआ है। सुनो दया मोबाइल वाले, कुछ हुआ है ठीक है? कुछ है गड़बड़ है, हम बता रहे हैं बस। गड़बड़ उसी रात को हुई है। चुप साला बहला। देख लो गाइस इसको, अब मेरे से कुछ मत बोलना। 15 घंटा सोया है, 3 घंटा उठा है और फिर 5 घंटे से लेटा है। तबियत खराब। एसी 16 पे चल रहा है, तबियत खराब है भाई का। वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। कीप इट अप। फीवर चेक कर लूं अभी? तुम्हारे हाथ गर्म है पहले। अच्छा मेरे हाथ गर्म है, मेरे ही हाथ गर्म है। हाँ तेरे हाथ ठंडे। जरा इसको छू के बताइए इसको बुखार है? मेरे उससे बुखार है। ये बुखार है। चल बेटा हो गया। चल चाय। मैगी भी खाएंगे। अरे तबीयत ठीक हो गई। एक हार्ड वर्किंग स्ट्रीमर को देखो जो रोज स्ट्रीम करते है, इसको देखो स्ट्रीम ही नहीं करते। गेमिंग हाउस में आ रखा फिर भी नहीं कर रहा। ची मेरे को देखो भाई। ठीक है मुझे लगता है आदि मार खाने वाला है गाइस बहुत जल्दी। एक बात बताइए, मुझे जब जाना होता है तो मुझे आना होता है
आप कभी यहाँ पे नहीं होते। सर आप बताइए, एक दिन मैं यहाँ पे आया, मैंने घंटी बजाई, कहीं से लोग हो, अगर हम सबको जवाब दे तो हम यहाँ मिलेंगे। नहीं नहीं, मेरे साथ तो आप तो वही है, 36 का आंकड़ा में बेल बजाते रहे तो आप कभी नहीं होते हो। आपकी किस्मत खराब है या मेरी किस्मत खराब है, उस टाइम हम गोल्डी सर के पास रहते हैं। मेरी किस्मत ही खराब कर दी है, मेरा बैड लक खराब है, जब आप बैड लक खराब है, बैड लक ही खराब है इनका। आज का पार्टी किसकी तरफ से है? चल भाई, एक बंदा लेस हो गया, ठीक है, हम खुद खुद दे देंगे। अब मेरा फोन ऑफ हो गया, मैं भूल गया मेरा फोन ऑफ हो गया। तो मॉडल को कितना कितना परेशान करेगा आदि, तो वैसे ही परेशान है इतना। ये सेम चीज अपन ज्वेलरी स्टोर, तो गाइस अगर आपका ज्वेलरी स्टोर है और मॉडल का फोन है तो कॉन्टेक्ट मी। मॉडल ने मुझे बोला सोना खरीदने के लिए, उसके लिए मैं आ जाऊंगा। उनके बीएफ पे होते हैं ना कुछ बहुत ही स्टड टाइप लौंडे, उनको पता नहीं होता कि उनके कहाँ का बच्चे टहलने, मॉडल को पता नहीं होगा कहाँ का उसका अकाउंट खुला हुआ है। तो स्ट्रीम कर ले पहले, इन दोनों की चल रही है, बहुत खतरनाक चल रही है इन दोनों की। टेम्पर इधर गर्दन की नस तक है, फूलने की देरी है। अच्छा नस फूल नहीं रही अभी, सुन अच्छा अगर नस फूल जाएगी फिर इज्जत दो ना, इज्जत रास नहीं आती। सेम हियर, जो बंदा 2 साल से आया है उसको केक मेलो अराउंड कर, मेरा थोड़ा डीप हो जाएगा बहुत। मैंने आज व्लॉग देखा था जहां पे आधी भी बीच में आने की कोशिश कर रहा था, मैं डबल डीप देगा केतन नहीं मांबा का व्लॉग में, केतन का था कल ही परसों देख रहा था मैं फुल, सबके पुराने पुराने व्लॉग। अच्छा ओल्ड मेमोरीज रिवाइंड कर रहा था। क्या करे भाई, कंटेंट देते हैं हम लोग तो, पूरे पर तो ये बहुत अच्छा है, बट जाने दे मेरे लिए। देख रहा है, देख रहा है, टीम अप हो रहा है। अब नींद क्यों साथ देगा भाई, मैं क्या बोला? हाँ। उस सेंस में ही बोल तू भी, अब समझ। अच्छा मेरे लिए, मेरा कैंसर तेरा पार्ट में सिर्फ। चमत्कार हो गया, चमत्कार छत पे जाएगा अभी तो तेरी बुखार। इतना जल्दी क्या है कूदने का? सब डरे बैठे हुए, अच्छी गंदी बात है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आज कुछ अजीब सा हुआ कि मतलब आज फिर से गेमिंग हाउस में सब लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। सुबह सुबह जब मैं उठा तो सब लोगों का ग्रुप पे मैसेज था कि भाई तुम लोगों के भी दर्द हो रहा है क्या, थकने मैसेज डाला, सब लोग बोल रहे थे ज़रीफ़ का तो कल ही तबीयत ख़राब हो गया था। एंड मैं भी सुबह, मेरी आँख खुल गई थी 7 बजे करीब, मुझे पैलेट में ऊपर वाले मुँह के अंदर ऊपर वाले हिस्से में स्वेलिंग हो गई थी। आई डोंट नो क्या चीज़ हो रही है बट कुछ अजीब सा ही हो रहा है। नेवर फेस दिस। टॉन्सिल होता था, ठंडा पानी या कुछ चॉकलेट खा लेना उससे हो जाता था, बट इतना प्रोलॉन्ग नहीं होता था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सप्रेस हो जाए। बट यस इट इज़ रिकवरिंग। और कल मैंने इसी वजह से ब्रेक ले लिया था क्योंकि आई थॉट कि मैं ज़्यादा ओवर एग्जर्ट कर रहा हूँ मैं ताकि व्लॉग डाल सकूँ एंड स्ट्रीम कर सकूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था। बट यस धीरे धीरे रिकवरी हो रही है एंड मैं इतना ज़्यादा लोड नहीं डालूँगा, सब काम करते रहेंगे बट ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करूँगा। आई होप आप लोग समझोगे एंड आप लोग प्यार दोगे। सो मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कल शायद हम लोग बाहर जा सकते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए बोल रहे थे लोग। सो लेट्स सी, पास में जाएंगे मॉल में, फन करेंगे, कुछ खा लेंगे, एक आउटिंग सॉर्ट ऑफ भी हो जाएगा। सो यस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर से कोशिश करना कि प्यार दो इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि दैट वॉट मीन्स द मोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। जब भी मैं खोलता हूँ उसमें प्यार झलकता है तो अच्छा लगता है। एंड लाइक कर देना एंड आई लव यू ऑल, यू नो दैट कि मतलब आप ही लोगों से हमेशा मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और भी मेहनत करूँ एंड ऐसी रोज़ कुछ ना कुछ करता रहूँ फॉर यू ऑल। एंड दैट्स इट, आप लोगों से मिलता हूँ कल के ब्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, दुआ करना थोड़ी सी, मिलते हैं गाइस।